फिल्म इंडस्ट्री के एक आर्ट डायरेक्टर ने आत्महत्या कर दी है। उन्होंने उससे पहले एक वीडियो अपलोड किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि इसके पीछे का कारण क्या है, वो क्यों इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ राजू साप्ते जी की। राजू साप्ते जिन्होंने राजधानी एक्सप्रेस, मान्या द वंडर बॉय जैसी फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया, उन्होंने बताया अपने वीडियो में कि वो लेबर यूनियन से जुड़े राकेश मौर्य की वजह से इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, नमस्कार, मेरा नाम राजू साप्ते है, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, मैंने अभी किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, मैंने आत्महत्या करने का फैसला सोच समझ कर लिया है, मेरे इस कठोर कदम उठाने के पीछे राकेश मौर्य नाम का शख्स है जो लेबर यूनियन से जुड़ा है। ये शख्स मुझे बहुत परेशान कर रहा है जो लेबर यूनियन से जुड़ा है, मुझ पर किसी का कर्ज नहीं, मैंने सबकी पेमेंट तय तारीख पर कर दी, राकेश मौर्य संघ के कुछ मजदूरों से फ़ोन करवाकर मुझे लगातार परेशान कर रहा है, उसने कहा कि मेरे ऊपर एक आदमी का 1.5 लाख रुपया बाकी है जो मैंने नहीं दिया, मैंने कल ही सब साफ कर दिया है, नरेश मैसी को भी फ़ोन करके पूछा कि क्या वाकई में तुम्हारा पेमेंट बाकी है, जिस पर उसने कहा कि नहीं, उसका पेमेंट पूरा हो चुका है। इसके बावजूद राकेश मौर्य मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, वो मुझे मेरा कोई भी काम शुरू करने नहीं दे रहे, फिलहाल मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, सभी पर मुझे काम शुरू करना है, मुझे मजबूरी में जी का प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा क्योंकि वो अब मुझे काम ही नहीं दे रहे, इन सभी चीज़ों से तंग आकर मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से राजू साप्ते ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो लेबर यूनियन है वो ये कह रही है बार बार कि मैंने जो लोगों का पैसा है वो क्लियर नहीं किया और इसीलिए मुझे जो है आगे का काम नहीं मिल रहा, तो आर्थिक तंगी जो है वो सामने आ गई और इसीलिए उन्हें जो है ये कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस शख्स के पैसे बकाया होने की वो लगातार बात कर रहा है, मैंने उससे भी फ़ोन करके पूछा, उसके पास मेरा कोई पैसा मुझे देना बाकी नहीं है।